पलवल के रहने वाले पायलट आशीष तंवर के लापता हुए 72 घंटों से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक लापता पायलट की कोई खोज खबर नहीं मिल पाई है। जब आशीष ने विमान में उड़ान भरी थी तो उनकी पत्नी संध्या का रेडार से संपर्क टूट गया, तभी से विमान लापता है। उनकी पत्नी संध्या वायुसेना में रेडार ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हैं और उस समय वे ड्यूटी पर थीं। फिलहाल पूरा गाँव दीघौट और परिवार आशीष के लापता होने के शोक में डूबा हुआ है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पायलट की मां ने पीएम मोदी से जल्द अपने बेटे को खोजने की मांग की है। तो वहीं आशीष तंवर के चाचा शिवनारायण तंवर ने बताया कि मदद तो मिल रही है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई आउटपुट निकल कर नहीं आया है। विमान अगर क्रैश होता तो मलबा तो मिलता, अभी तक विमान का कोई पता नहीं चल पाया है। आखिरी लोकेशन चीन की तरफ पाई गई है, जिसके चलते सरकार को चीन सरकार से बात करनी चाहिए। सबसे पहले संध्या से हुई थी हमारी बात, वो ATC में थी। जब कंट्रोल रूम से उनका सिस्टम का जो बाहर हो गया है तो बेटी ने बताया, संध्या ने बताया हमारी बेटी को, जो स्क्वाडन लीडर है, छुट्टी आ रही थी, कि दीदी ऐसे ऐसे आशीष के विमान का संपर्क टूट गया है। एयरफोर्स ने सर कोई सूचना नहीं, सूचना जो मिली थी नहीं, एयरफोर्स ने कुछ नहीं दी, बेटी ने दी थी हमें सूचना केवल। सर उम्मीद तो है, हाँ मदद तो हो रही है, चल रही है, मगर अब ऐसा लग रहा है कुछ, जैसे अब जैसे आप मीडिया में दिखा रहे हैं बहुत ज़्यादा सर्च ऑपरेशन चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, मगर वहाँ फिजिकली हम देखते हैं तो इतना कुछ नहीं है वहाँ पे ऐसा, और सरकार की तरफ से कोई आउटपुट आ ही नहीं रहा, इनपुट आ ही नहीं रहा। जब ऐसा लग रहा है कि वो क्रैश होता तो कहीं वहीं मिलता जा, चाइना में पहुँच गया, और चाइना वालों से भी कोई भी बात सरकार ने नहीं की है, या की है तो हमें कुछ भी जानकारी नहीं दिया। आपको बता दें कि AN-32 एयरक्राफ्ट ने सोमवार को 12:25 पर असम स्थित जोरहाट एयरबस से उड़ान भरी थी। लापता हुए विमान AN-32 में 8 क्रू मेंबर्स और 5 यात्री सवार थे। उड़ान भरने के करीब 35 मिनट बाद विमान का रडार से संपर्क टूट गया, तभी से विमान लापता है। सरकार फोर्स लगाए, बढ़ाए, मैन पावर बढ़ाए, पहाड़ियों में ढूंढे मेरे बच्चे को, कहीं से भी ढूंढे, अगर उधर की साइड उतरा है, चाइना की तरफ गया है, तो चाइना से अपना किसी भी तरह से मेरे बच्चे को चाइना से बात करके या फोर्सोर लगा, फोर्सोर लगा के लाए मेरे बच्चे को। क्या मांग करते हैं मोदी जी से? मोदी जी से मेरा बच्चा चाहिए, मुझको मेरा बेटा चाहिए, 13 लोग है उसमें, वे सब मेरी माँ जैसे, मेरे जैसे मेरा बेटा ऐसे ही है, वे सबके मेरे 4 बच्चे मेरे सारे देश सेवा में लगा रखे मेरे पास, मैं सोचती हूँ जो मेरा वो सबका है, वो सबका मेरा बच्चा चाहिए, मुझको मेरा बेटा चाहिए, मैं और कुछ नहीं चाहती।